हाय दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। स्वागत है फिर से आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ ऐसी कहानियाँ जो सच में आपका दिल दहला देंगी। तो चलिए हेडफोन लगाइए और आनंद लीजिए इन कहानियों का। बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट था। अपने कॉलेज की ओर से हम सभी कैंप के लिए एक जंगल में गए थे। हल्की ठंड थी, अतः रात में हम सब ने पूरी रात कैंप फायर के साथ डांस करने, गाने आदि का प्रोग्राम तय किया। मुझे और सभी साथियों को कैंप फायर के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने का भार सौंपा गया। मैं निकला तो सबके साथ ही, लेकिन जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य में भटकता हुआ अकेले बहुत दूर कहीं निकल गया। अचानक आसमान बादलों से भर गया और गरज के साथ बारिश होने लगी। बादलों के लगातार गरजने से मैं पेड़ के नीचे खड़ा रहना मुनासिब ना समझा। आसपास किसी घर की तलाश में एक दिशा में भागने लगा। मुझे कुछ ही दूरी पर एक लाल ईंटों से बनी शानदार बिल्डिंग नजर आई। बिल्डिंग रोशनी से पूरी नहाई हुई थी और उसमें ढेर सारे लोग हैं, ऐसा दूर से ही लग रहा था। मैं तेजी से भागते हुए इस बिल्डिंग में जा घुसा और सामने से आती हुई एक खूबसूरत नर्स से टकराते बचा। नर्स ने मुझे घूर कर देखते हुए कहा, बहुत अधिक पी गए हो, सर्दी लग जाएगी। उधर भाई और एक स्टोर रूम है, वहां जाकर जो भी मिले उससे कहना। सिस्टर जूलिया ने दूसरे सूखे और साफ कपड़े मुझे देने को कहा है, वह तुम्हें कपड़े दे देगा। मैं हक्का बक्का मुंह फाड़े सिस्टर जूलिया को देखता रहा। मुझे एकदम से समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरी स्थिति देखकर सिस्टर जूलिया खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, पहले तो तुम अपना मुंह बंद करो वरना मुंह में मच्छर घुस जाएंगे, और अब जाकर वैसा ही करो जैसा मैंने कहा है। मैं हल्के से हाँ में सर हिला सिस्टर की बताई दिशा में जाने को मुड़ गया। अभी कुछ एक 10 कदम ही चला होऊंगा कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा और अपने सामने आर्मी की वर्दी में एक युवक को खड़े मुस्कुराता पाया। मेरे चेहरे पर आश्चर्य का बादल अपना घर बना चुका था, जिसे देखते ही उस युवक को हंसी आ गई। उसने धीमे किंतु दृढ़ स्वर में कहा, मैं कैप्टन विनोद हूँ और यह हमारे देश की आर्मी का हॉस्पिटल है। कैप्टन विनोद की बातों से मुझे आश्वस्त किया। अब मैं धीरे धीरे सामान्य हो गया और मैंने कैप्टन विनोद को सिस्टर जूलिया की कही बातें बताई। सुनकर कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान फैल गई और वे बोले, तो सिस्टर जूलिया से भी मिल चुके, क्या मतलब आपका? कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें सूखे कपड़े देता हूँ, चेंज कर लो, नहीं तो सच में सर्दी लग जाएगी। और मैं कैप्टन विनोद के पीछे पीछे एक बड़े से कमरे में पहुंच गया। कमरे के चारों ओर हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे। एक और एक बड़ा सा बेड पड़ा हुआ था और उसके सामने एक सोफा था। बीच में एक टेबल था जिस पर 2 गिलास, एक बड़ी बोतल ब्रांडी की और 1 या 2 पत्रिकाएं पड़ी हुई थी। कमरे के एक कोने में एक बड़ी सी अलमारी थी, जिसमें से कैप्टन विनोद ने एक आसमानी रंग का कुर्ता पजामा निकालकर मुझे दिया और कमरे से लगे बाथरूम की ओर इशारा किया। मैं बाथरूम से कपड़े चेंज कर जैसे ही निकलने लगा, मेरी नज़र बाथरूम की एक दीवार पर पड़ी। वह खून के शीटों से भरी हुई थी। ये देखकर मैं घबरा गया और जल्दी से बाहर निकलने को मुड़ा कि बाथरूम में लगे आईने में खुद को ही देखकर चौंक गया। आईने में मेरा पूरा शरीर तो नजर आ रहा था, लेकिन मेरे शरीर पर से मेरा सर गायब था। अब मुझे डर लगने लगा और मैं हड़बड़ाकर बाथरूम से निकल गया। मुझे इस तरह बाहर निकलते देख कैप्टन विनोद ने हंसकर पूछा, क्या हुआ? अरे हाँ, तुमने तो अब तक मुझे अपना नाम ही नहीं बताया, कहाँ जाओगे? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन तुम जाना क्यों चाहते हो? अचानक ये मैं समझ नहीं पा रहा। कैप्टन विनोद, आपकी बाथरूम की एक दीवार पूरी
खून के छींटों से भरी हुई है और और आपके बाथरूम में लगा आईना भी कुछ अजीब सा है। उसमें मुझे पूरा शरीर तो दिखाई दिया लेकिन मेरा सर ही गायब था। मैं अब बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा यहाँ, बारिश में भी भीगता हुआ अपने कैंप तक जाऊंगा। कहते हुए मैं कमरे से बाहर जाने और दरवाजे की ओर बढ़ा। रुको, तभी कैप्टन विनोद की कड़कती आवाज गूंजी। तो तुमने सब कुछ देख ही लिया? जी जी जी, क्या मतलब आपका? मेरी आवाज में डर बढ़ गया था। मतलब चाहे जो हो, तुम तब तक यहाँ से नहीं जा सकते जब तक मैं तुम्हें कुछ बता ना दूँ। क्या बताना चाहते हैं आप? जो आज तक कोई ना जान सका। जो आज तक कोई ना जान सका, वह मैं जानकर क्या करूँगा? प्लीज़ अब मुझे जाने दो। मैं डर से रुआंसा हो गया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और तुम्हें मुझसे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सैनिक सबकी रक्षा के लिए होते हैं, मैं भी तुम्हारी सुरक्षा ही करूँगा। कैप्टन विनोद के स्वर में कोमलता थी। आओ मेरे साथ इस सोफे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी ख़त्म होते ही मैं तुम्हारे कैंप तक जीप पे छोड़ आऊँगा। वैसे भी तुम अपने साथियों से काफ़ी आगे निकल आए हो, वहाँ तक तुम अब चलते हुए शायद पहुँच ना पाओ। कैप्टन विनोद के स्वर में जाने कैसी अस्वस्थी थी। मैं जाकर उनके बगल में बैठ गया। कैप्टन विनोद ने कहना शुरू किया, दुश्मनों ने धोखे से हमारे अस्पताल को अपना निशाना बनाया। दुश्मन देश के दो सैनिक हमारे सैनिक के वेश में एक हमारे ही घायल सैनिक को लेकर आए। वह घायल था और हमारे देश की सेना ने उसे बहुत ढूंढा लेकिन मिला नहीं था। शायद साजिश के तहत उसे घायल होते ही घुसपैठियों ने कहीं छुपा दिया था। अचानक अपने खोए सैनिक को अपने हॉस्पिटल पर पाक सभी खुश हो गए और बिना अधिक पड़ताल के हॉस्पिटल के गेस्ट रूम में घायल को लेकर आने वाले वेशधारियों को ठहरने की इजाज़त दे दी गई। अभी उस सैनिक का इलाज चल ही रहा था कि जोरों का ब्लास्ट हुआ और पूरा हॉस्पिटल एक पल में खंडर में तब्दील हो गया। लेकिन हॉस्पिटल तो अपनी शानदार स्थिति में खड़ा है। मेरी बातों को अनसुना कर कैप्टन विनोद ने अपनी बात जारी रखी, कोई नहीं बचा उस ब्लास्ट में। दीवार पर पड़े खून के छींटे भी उसी ब्लास्ट में मारे गए हॉस्पिटल के कर्मचारियों के हैं। हाँ, पर यह हॉस्पिटल तो मुझे खंडर नहीं दिखता। जवाब में विनोद कैप्टन के चेहरे पर ऐसे मरी मुस्कान फैल गई और उसका चेहरा अजीब से भावों से भर गया। मैं उसके चेहरे को देखकर अंदर से दहल गया। फिर भी मैंने हिम्मत कर पूछा, आप उस ब्लास्ट में बच कैसे गए? सुनते ही कैप्टन विनोद ठहाका लाकर हंस पड़े और मुझ पर हिट भरपूर नज़र डालते हुए कहा, ये तो कहानी आज से मात्र 10 वर्ष पहले की है और मैं तो आज से 50 वर्ष पहले मर चुका हूँ। इसके आगे उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं मालूम। चेहरे पर गीलेपन का एहसास जब काफ़ी हुआ तो मैं जैसे नींद से जागा। मुझे घेरे हुए सभी सहपाठी और टीचर खड़े थे। मेरे आँख खोलते ही मेरे सर ने कहा, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। तो क्या मैं बेहोश था? हाँ, तुम जंगल में जाने कहाँ भटक गए थे। जब सभी लौट आए और तुम नहीं आए तो हम सभी मिलकर तुम्हें ढूंढने निकले। काफ़ी दूर जाने के बाद हमने एक जीप आती दिखाई दी जिसमें एक आर्मी मैन तुम्हें पीछे से सीट पर सुलाए हुए हमारे कैंप को ढूंढते हुए आ रहे थे। उन्होंने हम सबको भी अपनी जीप पर बिठाया और कैंप तलक छोड़ा। हमने उन्हें काफ़ी रोकने की कोशिश की लेकिन वे ये कहते हुए चले गए, अभी नहीं रुक सकता, एक ज़रूरी काम है। जब हमने तुम्हारे बेहोश हो जाने और उन तक पहुंचने के बारे में पूछा तो वो बोले, सोमेश ही बताएगा और जो भी बताएगा वह सब आश्चर्यश्च सच होगा। सबकी उत्सुक निगाहें अपनी ओर लगी देख मैंने धीमे स्वर में पूछा, क्या उनका नाम कैप्टन विनोद था? सर ने हाँ में सर हिलाया। मैंने सबको उधर चलने को कहा जिधर से सबने जीप आती देखी थी। पहले तो सर तैयार नहीं हुए लेकिन मेरे बहुत कहने पर राजी हो गए। सुबह होते ही हम उधर की ओर गए। मैं उस जगह पर पहुंचकर गहरे आश्चर्य में डूब गया। वहाँ एक अधजला खंडर था
जिसके एक टूटे पत्थर पर लिखा था आर्मी हॉस्पिटल। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ऐसे ही कहानियाँ सुनाता रहूं, तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद। खुश रहें।